हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कैटलिस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे मिकेलिस मेंटन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जिससे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल भी ग्राफिकल क्वेश्चंस भी एज वेल एज थेटिकल क्वेश्चन तो आइए फटाफट से इस टॉपिक इस को रिवाइज करते हैं देखिए जो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन है उसको डिराइव किया गया था जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट रिलेशन से बिटवीन वी मैक्स एंड सबस्टेट कि अगर सबस्ट की कॉन्सेंटेशन इंक्रीज की जाएगी तो एंजाइम की जो वेलोसिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और उसका जो सबसे सब, सबसे पहला सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेशन दिया गया था वो मिकेनिस मेंटन के थ्रू दिया गया था और इस इक्वेशन को डिराइव किया गया था जो इक्वेशन है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपन एस प्लस के एम जहाँ पर जो वी नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलते हैं वी मैक्स जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वेलोसिटी को ठीक है एंड एस क्या है ये सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन है ये सबस्टेट की कॉन्सेंट्रेशन है राइट के एम की जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं मिकेलिस मेंटन कॉन्सटेंट बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये है इक्वेशन आपका मिकेलिस मेंटन, राइट अब अगर हम इसके ग्राफ को देखें जो मिकेलिस मिन्टन ग्राफ बनाया था मकेलिस मिनटन सर ने जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखिए इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एक्स एक्सिस पे सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पे इन्होंने वेलोसिटी ली थी तो मिला था कैसा एक हाइपरबोलिक ग्राफ मिला था जिस पर तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर उन्होंने वेलासिटी को एक्सप्लेन किया था पॉइंट नंबर वन पर बताया गया था कि इनिशियल कंडीशन में जो वेलासिटी होती है वो सबस्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब बहुत ही सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो सबस्टेट इंक्रीज़ करने पर वेलासिटी उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज करती तो ये जो इक्वेशन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर कान्स को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर कनेटेक्स को मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब के कॉन्सेंट्रेशन के जो पॉइंट नंबर बी है ये के एम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ये वो पर्टिकुलर सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्स मैक्सिमम की हाफ होती है मतलब यहाँ पर हमें हाफ वी मैक्स देखने को मिलता है अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होती है क्योंकि सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन हम काफ़ी हाई कर चुके होते हैं तो इस कंडीशन में वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स होता है तो ये आपका ग्राफ है मिकेलिस मेंटन ग्राफ जिसमें सबस्टेट को एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे वेलोसिटी को लिया गया था इसी ग्राफ से हम एक और इन्फॉर्मेशन कंक्लूड uh, करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केएम से काफी क्वेश्चन इस पर भी आपको देखने को मिलते हैं सो व्हाट इज केएम केएम एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन पे जो विलोसिटी है ध्यान से देखिए वी नॉट जो है वो मैक्सिमम विलॉसिटी का हाफ होता है

मिकेलिस मेंटन इक्वेशन डिराइव करते हो मिकेलिस मेंटन ग्राफ बनाते हो जिसमें हमें क्या मिलता है एक्स एक्सिस पे सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सेस पे वी नॉट वेलोसिटी तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ठीक है वो सबस्टेट पे डिपेंडेंट होती है मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इट इज़ डिपेंडेबल वेरिएबल ठीक है फोर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए आपके इस टॉपिक से एंड जो सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन है ये इनडिपेंडेबल वेरिएबल है मतलब जब सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन आपको सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो उस पर डिपेंडेंट होती है वेलोसिटी जैसे सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी में आपको चेंजेस मिलेंगे सो so, ये जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है इस वेरिएबल पे और जो सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन है वो इनडिपेंडेंट है ठीक है तो ये चार से पाँच पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मिकलीस मेंटन ग्राफ निकले इस मिनट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाए ऑल द बेस्ट